देखिए दोस्तों, होम्योपैथी लेते समय दोस्त इतनी गड़बड़ कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स इतनी गड़बड़ करते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं वो किस काम में आ रही है और हमें उससे फ़ायदा क्यों नहीं लग रहा है। होम्योपैथी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को मेडिसिन बताते हैं, जबकि ऐसा होम्योपैथी का रूल नहीं है कि आपको इस मेडिसिन से आराम हुआ है तो दूसरे पेशेंट को सेम बीमारी में उसी मेडिसिन से आराम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल डॉक्टर्स देखते हैं, जो भी होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनको सब मालूम होता है, उनको सब पता होता है कि हाँ भाई इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनके रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं। और सपोज़ कीजिए मैं कोई पेशेंट हूँ और मैं किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनको अपनी परेशानी बताता हूँ, तो वो मुझे मेडिसिन दे देते हैं, हाँ चलिए आपको आर्सेनिक कलमम लेनी और आप जो है इस परेशानी से ठीक हो जाएंगे। अब क्या होता है कि सेम बीमारी मुझे दिखती है, हाँ मेरे भाई को भी ये प्रॉब्लम हो गई या फिर मेरे किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि डॉक्टर के पास उसको ना भेज के मैं उसको बताता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे आर्सेनिक एल्बम इस बीमारी में दी थी, तो आर्सेनिक एल्बम लो और ठीक हो जाओ। तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं या होम्योपैथी स्टोर पर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद उनको इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मेडिसिन पूरे सिम्टम्स लेकर नहीं दी गई है। वो एक जनरली थेरेपेटिकली मेडिसिन है जो कि कुछ काम कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में मिलता है, स्टोन वाले केस में सबसे ज़्यादा मिलता है कि हमें बर्बरिस से फ़ायदा हुआ है तो उसको भी बर्बरिस से ही फ़ायदा होगा, बाकी जो अन्य 1000 मेडिसिन है उनका कोई वैल्यू नहीं होम्योपैथी में, ठीक है लोग ऐसे सोचते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी को बर्बरिस से फ़ायदा हो रहा है उसको बता देते हैं, किडनी स्टोन से फ़ायदा हो रहा है उसको उससे बता देते हैं, किसी को किसी सिरप से फ़ायदा हो रहा है उसको बता देते हैं, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन से फ़ायदा है उसको बता देते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप सपोज़ कीजिए आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आपको काफ़ी सारी बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे हैं, बहुत सारे लक्षण आने लगे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप जनरली यूट्यूब पे देखे वीडियोस देख के जो है मेडिसिन ले लें, या फिर आपको ऐसा भी नहीं करना कि अपने किसी फ्रेंड ने कोई मेडिसिन आपको बता दी है तो आप उसको परचेज़ कर लें और उसको लेना शुरू कर दें, ऐसे आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा कि आपने होम्योपैथी मेडिसिन 1 महीना ली, 2 महीना ली और आपको आराम नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यार होम्योपैथी तो काम करती नहीं है, ऐसी बहुत सारे लोगों की ओपिनियन इसी वजह से बनती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो भी आपकी समस्याएं हैं आप अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे आप बताइए, किसी फ्रेंड्स के कहने पे किसी रिलेटिव्स के कहने पे आप ऐसे मेडिसन्स यूज़ मत कीजिए, ऐसे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था और मुझे लगा कि ये जानकारी भी आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।